पहले से ज़्यादा काला हो चुका है, इस पानी से बदबू भी आ रही है। श्रद्धालु वहीं डुबकी लगाने से पहले नाक और मुंह दोनों बंद कर लेते हैं कि जिससे ये पानी किसी भी तरीके से उनके मुंह में ना जाए। और ये हाल है, मगर आस्था के कारण हालात ये है कि लोग डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। इस नदी में आस्था जो है श्रद्धालुओं की, वो बरसों से चली आ रही है, लेकिन ये आस्था अब इस मैले पानी के कारण सिमटने लगी है। ये नदी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होती हुई आती है, लेकिन नदी का मैलापन देखकर निश्चित रूप से सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़े होते हैं। हरमेन सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर। समानी गंगे, उसके द्वारा जो गंगा जिसे स्वच्छ निर्मल साफ करते हैं लोग, उसके राजनीतिक पहल जो होता है, आप देखिए राजधानी के हमारे सांसद ये हैं राजनाथ सिंह, अगर उनको चाहिए कि इस दूषित पानी जो बह रहा है और बहुत ज़्यादा दूषित है, इससे जो है प्रदूषण लखनऊ से ही राजधानी से ही आता है, कि जो कि सैदपुर यहाँ के गोमती जी जहाँ पर वो होती हैं ख़त्म होती हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम सूरज कुमार निशान। सूरज जी, आज कार्तिक पूर्णिमा है, गोमती की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है, कैसे आस्था बरकरार रहेगी? सर, आस्था ऐसे बरकरार रहेगी क्योंकि यहाँ के निवासी, जितने भी नदी के साइड के निवासी हैं, अगर ये जागरूक जब तक नहीं होंगे तब तक यहाँ पे गोमती साफ नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे आए दिन देखा जाता है कि पूजा का माला और सब उसको शुद्ध मानकर उसमें नदी में ही डालना चाहते हैं, अगर उसको किसी कुंड में डालें तो इससे गोमती ज़्यादा साफ़ रहेगी।